नमस्कार, आप पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा के चोराटा थाना क्षेत्र के गांव बभेरी में ही किसानन के खेते में भीषण आग लग गए। लगभग 15 एकड़ के खेते में आधा दर्जन के किसानन के फसल जल के राख हुई गई। अपना बताई कि आग से किसानन का लाखन रुपया के नुकसान भा। आरोप लगाइन कहिन के किसान राजेंद्र सिंह उर्फ खड्डा के लापरवाही के कारण यह आग लगी। महुआ के पेड़ के नीचे कचरा जलावे खातिर वो आगे लगाए रहे, जोने के कारण यह आगे फैल के पूरे खेते में लग गए, जहां 15 एकड़ के करीब फसल जल के राख हो गए। ट्रैक्टर ले आवे अबे राम भेजे हर ट्रैक्टर से का होई फालू यार, ताऊ तो बचा सकी थी ना उनका के आगे के मांग सुना ट्रैक्टर के ऊपर तो मिलाई चलती रहे। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारी चौराहा में ही 3 दिन पहले घायल हालत में मिले 20 साल के युवक के मौत हुई गई। ये घटना के जानकारी लगता है परिजन हंगामा शुरू कर दिन। बतावा जात है कि परिजन आरोप लगाई नहीं बे कि युवक के गोली मार के हत्या के कोशिश की गई बे, जिनका उपचार के दौरान मौत हुई गई बे। अपना बताई दी कि 3 दिन पहले युवक का उपचार खातिर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गया रहा, जहाँ इलाज के समय की युवक दम तोड़ दिन। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मैं पूजा चल बोला बात, पूजा बात, पूजा बात। जोड़ी टाइम के आगे और अभी तो जोड़ी टाइम आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है। हमारी मांग है पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो। दिल को पकड़ो, दिल को पकड़ो, दिल को पकड़ो। कल रात को आपने देखा घटनाक्रम में कुछ लोग एक इकट्ठे होकर आए और उन लोगों को लगा कि पुलिस कार्रवाई में अभी विलंब हो रहा है, जबकि ऑलरेडी हमारी टीमों ने काफ़ी कार्रवाई कर ली थी। और जब उनको जाके समझाइश दी गई तो उन लोगों ने इस बात को, वो लोग भी आश्वस्त हुए कि उन लोगों के लिए PI कोतवाली और बाकी थानों का बल लगातार कार्रवाई कर रहा है। 2 दिन पहले की हुई इस घटना में आज जो पुलिस अपना काम कर रही है, उसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हम लोग प्राप्त कर रहे हैं और जो भी लीगल एक्शन बचे हुए हैं उनको करके सामने वाले फरियादी पक्ष को पूरी तरह से बता दिया गया है और शाम तक उनको और जानकारी भी दी जाएगी कि घटनाक्रम में ये डेवलपमेंट हम लोग कर चुके हैं। रीवा माही भारतीय सर्वसेवा संगठन युवा इकाई गुड़ विधानसभा के उपाध्यक्ष जावीर खान के नेतृत्व में ही गुड़ नगर कार्यकारिणी युवा इकाई नगर परिषद में बैठकी के नाम माही किसानन और व्यापारिन का परेशान कई के अवैध वसूली करे जावे का लेके CMO का ज्ञापन दिन। साथ ही कहीं के गुड़ नगर परिषद माही जौनमेर से बैठकी के नाम पर किसानन और व्यापारिन का परेशान कई जाला है, उनसे पैसा वसूला जाला है, उसे किसान व्यापारी और आम जनता त्रस्त है। हमारी पर्सनली बात, मेरी प्राइवेट वाहन है, उसके भी क्या नाम से वो रसीद काट के लिए हैं। एक क्या नाम से दुई बोरिया ले जा रहा हुआ खादी ले जा था ओकर जबरदस्ती में उन्हें रोक के पैसा वैसे जबरदस्ती ले गया। अभी तो ठीक है, अभी जब क्या नाम से ये शादी के लगन चालू होगा देखिएगा कैसे नोचेंगे भाई। मेरे कहने मतलब ये है सर, सर मैं इसी चीज को सब लेके आ चल रहा हूँ कि आज ये है कल लड़ाई हो रही है सर ना, तो सीमा मतलब यहाँ तक ले सकते हैं और मैं पूरा काम करूंगा और लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। प्लीज मैं अभी थोड़ा सा मजबूरी मेरी समझिए, IAS कमिश्नर ठीक है सर। मंगलवार का ही रीवा के लोकायुक्त पुलिस 3 रिश्वतखोरन का ही रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लीन। पहल कार्रवाई में जिला खाद आपूर्ति अधिकारी का 10,000 रुपया के रिश्वत लेत गिरफ्तार कीनगा, जे नया पेट्रोल पंप के NOC के एवज में ही रिश्वत मांगे रहे। वहीं दूसर कार्रवाई मध्य प्रदेश विकास निगम में पदस्थ सहायक Grade 3 का 40,000 के रिश्वत लेत लोकायुक्त गिरफ्तार करी। MPRDC में पदस्थ सहायक ग्रेड विनीत त्रिपाठी
नई गढ़ी के जुड़मनिया के रहने वाली सुलेखा पटेल से पेट्रोल पंप खोले के एनओसी के बदले में ही रिश्वत के मांग करे रहे हम। वहीं शासकीय उप निरीक्षक चैतराम कौशल का रीवा के होटल राज पैलेस के कमरा नंबर 118 में ट्रैप कार्रवाई कई के 10,000 रुपया के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करी नहीं बे। विनीत कुमार गौतम कहाँ रहते हैं? जो सर मैं ही रहता हूँ, काम यहीं करता हूँ, गांव मेरा सरौंधा है। आपने क्या शिकायत की थी कि आज लोकायुक्त पुलिस में मेरे द्वारा अपने बहन का विवाह सहायता का फॉर्म जमा किया गया था, जिसमें विवाह हुआ था उसके लिए फॉर्म जमा किया विवाह सहायता के लिए, जिससे पीसीओ द्वारा अमान्य कर दिया गया। फिर बाद में उसके एवज में हमसे 10,000 रुपये मांग रहे थे, जिसलिए हम रीवा चले गए। और ये कार्यवाही जी, तो क्या कहते थे पीसीओ की, किन्होंने मांगा है ये पैसे और क्यों? वो बोले कि सबको लगता है, मतलब बांटना पड़ता है ऊपर से लेकर नीचे तक, जिस कारण 10,000 रुपये चाहिए। फिर हम लोग बार्गेनिंग किए, जिसमें वो 5,000 में मांग गए। आज आप कितने रुपये देते हुए? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये नगद? जी जी। हाँ, रीवा में लोकायुक्त के द्वारा दो कार्रवाई की गई है। इसमें एक आवेदिका है श्रीमती सुलेखा पटेल, ये नई गली की रहने वाली हैं। इनके द्वारा पेट्रोल पंप, जो इनके द्वारा आवेदन दिया गया था पेट्रोल पंप खोलिए, उसकी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में आवेदन दिया था कि एनओसी दी जाए। उसके एवज में इनके द्वारा जो है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का बाबू है विनीत त्रिपाठी, इसके द्वारा 60,000 रुपये की डिमांड की गई थी। बाद में आपस में बातचीत में 40,000 रुपये में मामला सेटल करने और एनओसी देने की बात हुई थी। आज जो है रीवा लोकायुक्त द्वारा सुलेखा पटेल की शिकायत पर 40,000 रुपये नगद लेते हुए विनीत त्रिपाठी सहायक ग्रेड 3 मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को गिरफ्तार किया और अभी कार्रवाई जारी है। दूसरी कार्रवाई रीवा की है, इसमें आवेदक हैं सुरेश पटेल, ये पुलिस में उप निरीक्षक हैं। इनके द्वारा भी आवेदन लगाया था जिला खाद्य अधिकारी रीवा के, इसमें हमें पेट्रोल पंप की एनओसी दी जाए। इस हेतु जिला खाद्य अधिकारी जो रीवा हैं चेतराम कौशल, इनके द्वारा 20,000 रुपये की मांग की गई थी। उसके एवज में आपस में बातचीत दोनों में हुई, 10,000 मामला सेटल हुआ। तो आज जो है जिला खाद्य अधिकारी रीवा को चेतराम कौशल को 10,000 नगद लेते हुए उनके जहाँ रहते हैं होटल में वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी कार्रवाई जारी है। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखत रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।